पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत भारत के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के नंदग्राम में, जहां पर ये तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए हैं क्योंकि इन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। घबराकर ये अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। इन्हें डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए, क्योंकि बिल्डिंग की अगर हालत अगर आपको दिखाएं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही मामला है, क्योंकि यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो बिल्डिंग गिरती है और इसमें काफ़ी लोगों का हताहत होने का खतरा है। ये बच्चा भी अपने घर से बाहर आ गया है। बेटा बताएं, क्या भूकंप आया था क्या? यस, बहुत तेज भूकंप आया था और पंखे वंखे सब हिलने लगे थे, इसलिए हम डर के मारे बाहर आ चुके हैं। बच्चे का भी यही कहना है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और बच्चा अपने घर से बाहर आ गया था। कुछ और लोग हैं जो घरों से बाहर आ गए हैं, इनसे पूछते हैं क्या है मामला। आपको भूकंप के झटके? हाँ जी, चाय पी रहे थे, चाय का कप हिलने लगा, हम तो डर की वजह से बाहर आके खड़े हो गए हैं। बहुत तेज भूकंप था। आप बताएं सर, हम यहाँ से जा रहे थे तभी देखा कि पब्लिक यहाँ पे भगदड़ मच गई है, जिसके कारण पता चला यहाँ पे भूकंप आया हुआ है। तो ये देखते हुए पब्लिक सगली घर से बाहर आ गई है और लोग बार इधर उधर भाग रहे हैं। गेटों पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दरवाजे को हिला रहा हो, और इस वजह से हमें भी डर सा लगा और डर की महसूस की वजह से बाहर आ गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि भूकंप के झटकों से उन्हें कहीं ना कहीं डर महसूस ज़रूर हुआ होगा कि कहीं कोई बिल्डिंग में ऐसा छज्जा या कोई दीवार टूट के ना गिर जाए और किसी की जान पर ना बन पाए। लेकिन जो भूकंप की तीव्रता आंकी गई है वो 7.1 रिएक्टर स्केल मापी गई है, और जो भूकंप का केंद्र मापा गया है वो हिंद कुश की पहाड़ियों में 210 किलोमीटर की नीचे गहराई में आंका गया है। कैमरा पर्सन शाहरुख मलिक के साथ जितेंद्र, साधना प्राइम न्यूज़, नंदग्राम। कैमरा पर्सन शाहरुख मलिक के